गंगानगर की इस डॉक्यूमेंट्री को मैंने तमाम तथ्यों, लोगों से मिली जानकारी के आधार पर बेहतर बनाने का प्रयास किया है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी के पास अन्य कोई भी विशेष जानकारी हो तो सादर आमंत्रित हैं। तो आइए हम मिलकर ये प्रयास करें कि श्री गंगानगर की ये डॉक्यूमेंट्री और भी अच्छी बन सके। धन्यवाद। हनी वी रंग रंगीलो मारो राजस्थान। ढोला और मारू के पवित्र प्रेम की सुगंध से रची बसी मरुभूमि, त्याग, बलिदान, साहस और वीरता की मिसाल। यहाँ एक तरफ रेतीले टीले निष्प्रहता की सीख देते हैं, वहीं दूसरी ओर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हंसते हंसते कठिन जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। राजस्थान की वैभवशाली धरती श्री गंगानगर, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। भारत की उत्तरी अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित गहरी आध्यात्मिकता और जातीय सौहार्द वाला ये जिला अपने परिश्रम, विकसित कृषि, श्रेष्ठतम उद्योग, विकासगामी शिक्षा और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण विश्व प्रसिद्ध है। महामहिम महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शी सोच का प्रतिफल पेरिस के नक्शे पर बना वेल प्लान्ड मॉडर्न सिटी। भागीरथी गंग नहर के अमृत रूपी पानी ने इस निर्जन बियाबान, लू की थपेड़े खाती प्यासी धरती रामनगर को श्री गंगानगर के रूप में हरा भरा और समृद्ध बना दिया। श्री गंगानगर यानी सतलुज की जलधारा पर एक सभ्यता का प्रादुर्भाव। भारतवर्ष में अगर किसी धरती पर आपने जाकर के विविधता की एकता को देखना है तो सिर्फ गंगानगर में देखो। आप सिख भी यहाँ है, मुसलमान भी यहाँ है, बिश्नोई भी यहाँ है, जाट भी यहाँ है, यहाँ पनिया भी हैं, यहाँ अरोड़े भी हैं, यहाँ सारी जातियाँ हैं और उसके बावजूद भी उनमें उनका भाईचारा वो एक दुनिया के सामने मिसाल है। ये जगजीत सिंह की धरती है जिसने पूरी दुनिया पर छाप छोड़ी है। ये कमलजीत सिंधु की धरती है, ये सीमा की धरती है जिस सीमा ने हिमालय पर झंडा फहराया। ये मेहर सिंह जी हैं जिसने पूरी दुनिया के अंदर पताका फहराया, ईरान के अंदर जाकर वर्ल्ड चैंपियन बने। ये लैला मजनू की जमीन है जिस पर उन्होंने एक प्यार का दुनिया भर का मिसाल रखा। ये वो धरती है जिसके अंदर महाराजा गंगा सिंह ने एक दुर्लभ काम को सुलभ किया। राजस्थान कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल गंगानगर के वक्षस्थल को तीरती हुई जाती है, यहाँ के लोगों को सरसब्ज कर दिया। जहाँ के कण कण में बसा है प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, जोश, जुनून, कर्तव्य निष्ठा, सफलता की ओर तेजी से चलते कदम, अमर रहे देश मेरा, आरजे तेरा, गंगानगर मेरा। बहुत ही अद्भुत शख्सियत थे प्रोफेसर केदारनाथ, और मैं नहीं समझता कि आज के जमाने का कोई भी नेता उनके कद के नजदीक भी पहुंच सकता है। एक वो अनूठा जुड़ाव था आम लोगों से कि आधी रात को भी जाएं तो केदार जी को उठा सकते हैं, उन्हें कुछ कह सकते हैं। ऐसी राजनीति मैंने अपनी आंखों से देखी। राष्ट्रीय राज्य की राजनीति में बड़े आंधी तूफान आते रहे, कांग्रेस जीती, कांग्रेस हारी, जनता पार्टी जीती, जनता पार्टी हारी, लेकिन केदार जी कभी नहीं हारे। वो जनता से जुड़े रहे, उनके साथ रहे, उनके बीच रहे। और मैं समझता हूँ गंगानगर शहर के निर्माण में और उस इलाके की जो मिश्रित संस्कृति बनी उस संस्कृति के निर्माण में केदार जी का अद्भुत योगदान था, जो हमें याद रखना चाहिए। बीकानेर रियासत के महाराजा लाल सिंह की तीसरी संतान
महाराजा गंगा सिंह, शिक्षित, दूरदर्शी और प्रजा के सच्चे हितैषी। बात उस समय की है जब 1900 ईस्वी में बीकानेर रियासत में भयंकर अकाल पड़ा। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए और भयंकर महामारी फैल गई। तब महाराजा गंगा सिंह से प्रजा का ये दुख देखा नहीं गया। इस समस्या के निरंतर समाधान के लिए उनकी सोच थी कि ऐसा नया शहर तैयार किया जाए जो बरसात के पानी पर आधारित ना होकर नहरों द्वारा सिंचित हो और वहां अन्न का भरपूर उत्पादन किया जा सके ताकि रियासत के लोग खुशहाल हो सकें। इस सोच पर उन्होंने इस क्षेत्र को चुना जिसको रामू की ढाणी के नाम से जाना जाता था और इस क्षेत्र में सतलुज का पानी राजस्थान में प्रवेश करता था। सन 1906 में लॉर्ड कर्जन को यह प्रस्ताव दिया जो कि 1925 को क्रियान्वित हुआ और पंजाब से गंग नहर की खुदाई शुरू हो गई। 26 अक्टूबर 1927 को इसके उद्घाटन समारोह में वायस राय लॉर्ड इरविन की उपस्थिति में महाराजा गंगा सिंह ने इस शहर का नीम पत्थर रखा। पहले रामनगर था, हमारी गंगा की तहसील का नाम मिर्जेवाला था, वहाँ मिर्जेवाला अभी वहाँ अवशेष पड़े हैं। तो जब रेलवे लाइन आड़ की बन गई तो महाराजा गंगा सिंह ने यहाँ पुराने आबादी में तहसील बढ़ा दी। तहसील बढ़ाने पर ये मंडी भी काट दी कि आस पास से कोई ब्लॉक, चार पाँच ब्लॉक काटे पानी की सुविधा के लिए, डिग्गियों में पानी चले आने से पानी जैसे जैसे लगता गया उड़ीर से हवा उठती वो मिट्टी आ गई। श्री गंगानगर के विकास को आजादी के बाद ही गति मिलना शुरू हुआ जब बहावलपुर, लैलपुर, गुजरात, बिहार व बीकानेर के काफी संख्या में लोग यहां आए। महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब में जाकर बार बार वहां के किसानों को खेती के लिए आमंत्रित किया व उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान करवाई और उनके लिए मॉडल कृषि फार्म एचएस फार्म भी स्थापित किया। पवित्र उद्देश्य से महाराजा गंगा सिंह जी ने इस शहर की स्थापना की और गंग नहर मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजा ने अपनी प्रजा के लिए स्वयं के खर्चे पर किसी कैनाल का निर्माण किया हो, ये अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। ये गंगा सिंह जी के पसीने का ही असर है। श्री गंगानगर के सभी शहरवासियों का आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल, सांप्रदायिक सद्भाव है कि ये गंगानगर निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। 6 सब डिवीजन, 9 तहसील, 7 पंचायत समितियां और सैकड़ों ग्रामों और ग्राम पंचायतों का जिला श्री गंगानगर 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत से अलग जिला बनाया गया। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मैं 36-37 देशों की यात्रा कर चुका हूं, जो भाईचारे की मिसाल है। सो आपसी मेल मिलाप की मिसाल, लोग जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं है वो कहता है भाई साहब मेरे घर पे खाना खाना, ऐसा मेल मिलाप, ऐसा भाईचारा, ऐसा प्रेम दुनिया में मैंने कभी नहीं देखा। मुझे गंगानगर से बड़ा लगाव है। मैं चाहूंगा कि मुझे अगर पुनर्जन्म भी भगवान दे तो मुझे गंगानगर के अंदर और राजस्थान के अंदर ही जन्म लेना पसंद है। कृषि श्री गंगानगर की आय का प्रमुख स्रोत है। सर्वप्रथम गंगानगर शुगर मिल की स्थापना हुई, फिर ज्यादातर उद्योग कृषि पर आधारित हैं। जीनिंग एंड प्रेसिंग फैक्ट्री, स्पिनिंग एंड टेक्सटाइल मिल, ऑयल मिलें, आटा दाल मिलें, रिको इंडस्ट्रीज एरिया का निर्माण और गवार की गम की इंडस्ट्रीज विकास WSP, सूरतगढ़ थर्मल पावर, लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, पदमपुर एवं रावला की जिप्सम फैक्ट्री और सूरतगढ़ फार्म, छोटे और बड़े उद्योग धंधों के साथ साथ ऑटोमोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट है श्री गंगानगर में। पूरे क्षेत्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यहाँ कभी सरस्वती नदी बहा करती थी। कालीबंगा, रंग महल, बरोड़ और पल्लू की खुदाई में
और अवशेष इसके प्रमाण हैं। इस रेगिस्तान को नखलिस्तान का स्वरूप मिला। गेहूं, कपास, चना, सरसों, गन्ना, चुकंदर, किन्नू व गाजर आदि के उत्पादन में इस इलाके को देश में अग्रणी बना दिया। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि यहाँ परस्पर निर्भरता है। इस सामाजिक ताने बाने ने इस क्षेत्र को देश में पैदा विपरीत परिस्थितियों और सांप्रदायिक तनाव के दौरान भी शांति और सौहार्द में रखा। यही गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र की खूबसूरती है और यही उसकी खासियत है। जो एक बार यहाँ आता है उसका मन बार बार यहाँ आने को करता है। श्री गंगानगर को राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। यहाँ की मिश्रित संस्कृति में खान पान व पहनावों में पंजाबी संस्कृति प्रभावी है। वहीं नृत्य एवं संगीत में राजस्थानी संस्कृति का दखल है। यहाँ पर मुख्यतः रूप में पंजाबी और बागड़ी भाषा बोली जाती है। गंगानगर आज बहुत ही तेजी से विकसित हो रहा है और एक विकासशील शहरों में इसका प्रमुखता से नाम लिया जाता है। एक और जो सबसे खास बात मुझे लगी कि शहर का जो ब्लॉक एरिया है वहाँ का नक्शा, उस एरिया के नक्शे के बारे में कहा जाता है कि वो पेरिस के नक्शे से प्रभावित होकर महाराजा गंगा सिंह ने इस एरिया को डेवलप करवाया था। इस एरिया के जो सड़कें हैं वो पूरी डायगोनल हैं। ये भी एक महाराजा गंगा सिंह की दूरदृष्टि का एक बड़ा ही साक्षात उदाहरण है कि उन्होंने कितनी सोच और कितनी दूरदृष्टि के साथ इस गंगानगर की परिकल्पना की थी। सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ साहब, चानना धाम हनुमान मंदिर, कालीबंगा सभ्यता अवशेष, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लैला मजनू मजार, डाडा पम्मा राम समाधि, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हिंदुमल कोट पार्डर, शिवपुरी कागड़, सूरतगढ़ आकाशवाणी एवं अनूपगढ़ का किला टूरिज्म केंद्र हैं। बड़ा दिल और खुला दिमाग, ये गंगानगर वालों का मेन मोटो है। यहाँ गंगानगर में लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। वहीं यहाँ पर मेट्रो सिटीज की तर्ज पर बनने वाले ये विशाल फ्लैट, इसका नमूना है कि गंगानगर ब्रांडेड हो गया। श्री गंगानगर जिला राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। एक समय था जब ये कहा जाता था यहाँ कल्चर के नाम पर सिर्फ एग्रीकल्चर है, लेकिन आज विभिन्न क्षेत्रों में इस जिले ने जो तरक्की की है उसने सभी की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का, उद्योग हो या रियल एस्टेट, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हो या उद्योग धंधों के बारे में, ये जिला तरक्की कर रहा है। यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार हुआ है उसने बड़ी बड़ी कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है। आज हम देखते हैं भले रेडीमेड का हो या इलेक्ट्रॉनिक का हो या ये कह सकते हैं ऑटोमोबाइल का हो, सारी कंपनियां गंगा जिले की ओर दौड़ रही है। बड़े बड़े शोरूम या देखते लगता है कि हम किसी महानगर में आ गए हैं। यहाँ के लोगों में सेवा भावना कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ की कई सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कई इकाइयां जन सेवा में जुटी है। गंगानगर जिले के लोग जो हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। धर्म में आस्था बहुत ज़्यादा है लोगों की। कहीं भी समागम होता है धार्मिक तो उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिर यूँ ही नहीं बनते, आज कड़ी से कड़ी जुड़ के ही मंदिर बनता है। तो दानवीरों की कोई कमी नहीं है, हर संस्थाएं निस्वार्थ भाव से जुड़ी हुई हैं। यहाँ का मीडिया तंत्र अत्यंत मजबूत है। काफी संख्या में दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। मीडिया का प्रशासन एवं लोगों में बहुत सामंजस्य है। गंगानगर इलाका
शुरू से प्रारंभ से ही सौभाग्यशाली रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। यहाँ पर प्रारंभ से लेकर के और पीजी लेवल की, आज इंजीनियरिंग लेवल की, बीएड की, पीजी, प्रत्येक विषय में पीजी का आज सिलेबस यहाँ पर करवाने की संस्थाएं हैं। और ऐसे ऐसे शिक्षण संस्थाओं ने ऐसे बच्चे दिए हैं समाज को जिन्होंने बाहर जाकर के इस इलाके का नाम रोशन किया। और आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि कोई फील्ड ही ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में क्या दुनिया के क्षेत्र में जहाँ हमारे यहाँ के विद्यार्थी नहीं पहुँचे। श्री गंगानगर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन सबसे फेमस जगदम्बा अंध विद्यालय और यहाँ के संस्थापक परमहंस स्वामी ब्रह्मदेव साहब। 13 दिसंबर 1980 को इस संस्था की हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री संत बाबा करनैल दास जी महाराज ने नींव रखी। सबसे पहला प्रोजेक्ट था नेत्रहीन बच्चों की सहायता, उनको प्रशिक्षित करके रोजी रोटी के काबिल बनाना, और उसके बाद फिर गूंगे बहरे बच्चों का चैरिटेबल आई हॉस्पिटल बनाने की इच्छा हुई। 29 सितंबर 1993 में इसका उद्घाटन जो है वो नरसिंह राव जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने किया। जगह जगह कैंप लगते हैं। इस 18 साल के अंदर ऐसा कोई बड़ा गांव नहीं जिले का जिसमें आई कैंप न लगा हो। आज की डेट में हॉस्टल में 450 बच्चा रहता है। श्री करणपुर व पदमपुर तहसील के काफी लोग विदेशों में नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा गंगानगर बसता है। यहाँ के बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं। और गंगानगर तो इस टाइम नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ी है बेस्ट स्टडी वीजा के लिए। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट मेलबोर्न में, सिडनी में, गंगानगर के हैं। और जो अपने घर पे पैसा भेज रहे हैं और उस पैसे से ऑब्वियसली गंगानगर का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। बिल्कुल जो भी जिसकी रूट्स यहाँ होते हैं वो कभी भूल नहीं सकता। इकबाल सिंह की चैल जो 89 बैच की IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र में, इस टाइम FDA सेक्रेटरी हैं, मारडा के चेयरमैन भी रहे हैं, वो यहाँ के लोगों से बहुत जुड़े हुए हैं। एक गंगानगर से डॉक्टर अरुण सोफ्ता है, वो USA में कैलिफोर्निया स्टेट में बेकर्सफील्ड में डॉक्टर है। उनका वहाँ पर 100 बेड का हॉस्पिटल है, जो बहुत बड़ी बात है अमेरिका में अपना हॉस्पिटल होना। एक गांव बारागेट से परमजीत सिकंद है, वो रियल स्टेट एजेंट है वाशिंगटन में, तो उनका बड़ा अच्छा बिजनेस है वहाँ पे। वो मेरा ख्याल लास्ट ईयर वो टॉप 10 रियल स्टेट एजेंट में थे। एक हमारे गंगानगर के मिस्टर मनदीप सिकंद है, और न्यूयॉर्क में उनका मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई का काम है। और एक ऑस्ट्रेलिया में है कोचर साहब है, उनका वहाँ पे रेस्टोरेंट है बड़ा फेमस है। और प्रवीण गुप्ता जी हैं सिटी कमिश्नर न्यू दिल्ली, वो भी इस क्षेत्र के बारे में काफ़ी विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। राजनीति की मिसाल रहे प्रोफेसर केदार और शिवपत सिंह, योगिंद्र हांडा व वर्तमान में विधायक राधेश्याम गंगानगर एवं राज्य सरकार के राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर व नगर परिषद व नगर विकास न्यास श्री गंगानगर के जगदीश जी जांदू और ज्योति कांडा श्री गंगानगर के विकास हेतु प्रयासरत हैं। गंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह खुद संगीत प्रेमी थे, यही कारण है कि गंगानगर में राष्ट्रीय कला मंदिर की स्थापना हुई। बहुत अच्छे कलाकार निकले हैं राष्ट्रीय कला मंदिर के माध्यम से। जगजीत सिंह का नाम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो गजल गायक के रूप में मशहूर हुए हैं। योगेश छाबड़ा एक्टिंग के क्षेत्र में गए हैं, साथ फतेह मोहम्मद जी घरानेदार संगीतज्ञ हैं। ऐसे लोग बहुत हैं यहाँ पर जो गायन में, नृत्य में और अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन ख्याली सहारण, मेजर राजस्थानी प्रीत बराड़, प्लेबैक सिंगर शाहिद मालिया, संतोख सिंह, पॉप सिंगर हनी वी, भक्ति गीत लिखने वाले सरल कवि, पंजाबी लेखन के क्षेत्र में संगदिल 47, सुखा 38 वाला महान जादूगर सम्राट शंकर, उत्कल मीडिया प्रोडक्शन और सेवक रिकॉर्डिंग स्टूडियो अत्याधुनिक उपकरणों से मल्टीट्रैक बनाया गया है।
चिकित्सा क्षेत्र में गंगानगर एक अग्रणीय स्थान रखता है। काफ़ी अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी कम रेट्स पे, काफ़ी रियायती दरों पे हर स्पेशलिटी में अच्छी श्रेणी की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, चाहे मेडिकल साइड हो, सर्जिकल साइड हो, ऑर्थोपेडिक, IENT, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के में सभी अच्छा काम हो रहा है। सभी फिजिशियन यहाँ उपलब्ध हैं, सुपर स्पेशलिटी में भी नेफ्रोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, सर्जरी में प्लास्टिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, यूरोलॉजिस्ट सब उपलब्ध है, और जनरल सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो है काफ़ी अच्छी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। कश्ती का मुसाफिर हूँ, उस पार उतरना है, मल्लाह के हाथों में जीना और मरना है। 12 जुलाई 1996 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और रेडियो के इतिहास में जहाँ तक मुझे ध्यान है एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है कि जो कि इतने लंबे अरसे से चल रहा है। कश्ती का मुसाफिर हूँ, उस पार उतरना है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के कुमार स्वामी, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक गुरमीत राम रहीम सिंह श्री गंगानगर के ही हैं। गंगानगर एक बहुत खूबसूरत सिटी है, वो बहुत ड्रीमिंग सिटी है, ये राजस्थान का एक पेरिस जैसा सिटी है, और इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। एकदम जो दिल्ली में जो मतलब है, अब वो सब चीजें यहाँ पे भी हमें मिली। गंगानगर की खासियत है, यहाँ की जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो बड़ी ऐतिहासिक है, और उसकी मिसाल है कि हमारे बाजार में वादी के पास ब्लॉक एरिया में एक एल ब्लॉक स्थान है, एरिया है, जहाँ एक तरफ मस्जिद बनी हुई है, जहाँ हर रोज नमाज की ईजान गूंजती है। वही पास में हनुमान मंदिर बना हुआ है, जहाँ हर रोज राम राम सिया राम की आवाज गूंजती है, और पास में नानक दरबार गुरुद्वारा है, जहाँ हर रोज नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबदा पला दा संदेश लोगों पास जाता है। यही वजह है कि यहाँ के सूरवीरों ने, वीरबल जैसे महायोद्धाओं ने जहाँ आजादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानी दी, कर्नल हरबंस सिंह चहल ने कुर्बानी दी, मेजर नवपाल सिंह ने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी, तो यूनानो मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय बास्केटबॉल टीम के कैप्टन जगदीप सिंह, वहीं एथलेटिक्स में शिव प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, जेवलिन थ्रो में सतवीर सिंह अटवाल, समरजीत सिंह मल्ली, जूडो में गगनदीप कौर, पावर लिफ्टिंग में नाजू अरोड़ा व हिमालय कार रैली के एडवेंचर ग्रुप के हैट्रिक विनर राजेश चलाना, राकेश दीवान ने श्री गंगानगर को गौरवान्वित किया। खेती ये खेती नहीं रह के इंडस्ट्री बन गई है, यहाँ लगभग बहुत फसलें, मेजर क्रॉप बागवानी में बहुत अच्छा हो गया। मौसमी माल्टा है गंगानगर का, मशहूर है, आज किन्नू बाजार में जा रहा है। इसके अलावा गंगानगर में शुगर बीट चुकंदर हुआ करता था, जो एशिया में एक ही शुगर मिल थी, तो सफेद सोना जो कॉटन मस्टर्ड का बहुत बड़ा काम होता है, और कामयाब भी है यहाँ। मेरी सोच तो ये है कि अगर जैसे ग्वार पिछली बार बिका और ग्वार वैसे रह जाता है, तो ये तो जैसे गल्फ में तेल बेच रहे हैं लोग और यहाँ ग्वार बेचेंगे। गंगानगर के हृदय स्थल पर स्थित ये गुरुद्वारा सिंह सभा, यहाँ गुरुद्वारा ये धार्मिक आस्था का प्रतीक है, वही आपसी मेल जोल प्रतीक है। इस गुरुद्वारा साहब की स्थापना 1928 सब तो पहले महाराज गंगा सिंह जी सोची भी स्टेशन के नेड़े है और बस अड्डे के नेड़े है, भाई जेडे भी कोई दूरों नेड़े यात्रू आते हैं उन्होंने इतने रहने की जगह मिले, रात को रहने की जगह मिले, और दिने तो लैके सारा दिन साढ़े इतने लंगर जो परंपरा चली है, सवेर तो लैके रात तक सारा दिन लंगर चलता है। यात्रियों के ठहरन वास्ते रात का इंतजाम पूरा है, मंजा का, बिस्तरों का, और दिने भी जी कोई संगत या पिंडा चो जे बंद आते हैं उन्होंने ठहरन वास्ते विश्राम करने वास्ते दिने सारा दिन इतने संगत की आवाजाई रही है, तो संगत को इस गल की बड़ी सहूलियत है। देश मेरे दिलदारादा गुरुआ पीरा सत्कारादा, देश मेरे दिलदारादा रांझिया हीरा गम खारादा, ए देश मेरे दिलदारादा। हाँ,
एक कास्मोपोलिटन करैक्टर है। यहाँ मॉडर्नाइजेशन की ओर बहुत ज़्यादा रुझान है लोगों का, वो ट्रेडिशनल नहीं है क्योंकि यहाँ किसी तरह का ट्रेडिशन है ही नहीं, सभी नई सोच के लोग हैं। यही एक कारण है कि यहाँ विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और लोग बहुत ही मॉडर्न तरीके से सोचते हैं और नए जमाने के साथ चलते हैं। लॉर्ड्स का मैदान क्रिकेट के लिए मक्का है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी लॉर्ड्स के मैदान की घास पर माथा टेकना चाहते हैं कि हर एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो वहां खेले, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि लॉर्ड्स के मैदान पर मुझे 5 बार लगभग कमेंट्री करने का मौका मिला है। मुझे रावण की लंका देखने का मौका मिला श्रीलंका में, ननकाना साहब पंजा साहब के मैंने दर्शन किए पाकिस्तान में, मैं चीन की जो दीवार है उसके ऊपर भी चढ़ा और आईफल टावर के ऊपर भी चढ़ने का मौका मिला। इन लोगों के पास टैलेंट है, उन्होंने बाहर निकल के बताया कि हम लोग गंगानगर के हैं और ये बता दिया कि किस ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। ये याद है जब जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार सूरजगढ़ में आए तो हमने उनके हवाई अड्डे पे उतरते हुए स्नैप खींचा और रेस्ट हाउस बनने तक 10 मिनट में उनको पेश कर दिया। बहुत हैरान हो रहे हैं फोटो देख के और हमें उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी आए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, मोरारजी देसाई आए, राष्ट्रपति ज्ञानी जेठ सिंह जी आए, एक बार रूस के प्रधानमंत्री एस एन खुशेव आए सूरजगढ़ में किसी भर में, तो उनके भी हमें सेवा करने का मौका मिला, फोटोग्राफी की। उदार सिंह जी सिंधु, हरी सिंह दुखिया और डॉक्टर रतन चंद जी स्वतंत्रता सेनानी, इनसे महाराज गंगा सिंह से कई बार जिक्र होता रहता था। बहुत लोग अभी आते हैं महाराजा जी की फोटो लेने और उनकी पूजा करते हैं, उनको उनका सम्मान करते हैं। गंगानगर है, यहाँ पर मौसम की बहुत विविधता रहती है, सर्दियों में कई बार तो तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है और गर्मियों में कई बार इतनी भयानकर गर्मी पड़ती है कि ये 49 डिग्री तक पहुँच जाता है। हम सबसे गर्म भी है और हम सब बिल्कुल गंगानगर के लोग बहुत गर्म है और बहुत कूल भी है, यानी कि हॉट भी है और कूल भी है। RJ13 गंगानगर मेरा, RJ13 गंगानगर मेरा, RJ13 गंगानगर मेरा, RJ13 गंगानगर मेरा। महाराजा गंगा सिंह की धरती, ये पावन धरती, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है। यहीं पर जीना चाहता हूँ और यहीं पर मरना चाहता हूँ। मेरा आखिरी सांस इसी धरती पर निकले, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगर एक लाइन में श्री गंगानगर के बारे में कुछ कहना हो तो यही कहा जा सकता है कि श्री गंगानगर आज तेजी से बढ़ता हुआ एक विकासशील शहर है। यहाँ के लोग जागरूक हैं, सेवाभावी हैं, खुले दिल वाले हैं और बहुत ही क्रिएटिव हैं। परंपरा के साथ आधुनिकता का बहुत बड़ा तालमेल श्री गंगानगर में देखा जा सकता है। श्री गंगानगर के लोगों को ये मलाल है, राज्य सरकार इसे हमेशा ही एक विस्थापित जिला मान। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नमस्कार।